रोहतक पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता का हालचाल जाना राकेश टिकैत ने और परिवार वालों को उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से साथ देने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी राकेश टिकैत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के बचने के रास्ते ना बनाए पुलिस, आरोपियों को बचाना क्यों चाहती है पुलिस। वीरवार को रोहतक में जुटेंगे समाज सेवी और महिला संगठन। इंसाफ के लिए आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। किसान नेता राकेश टिकैत रोहतक गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिवार को पूरी तरह से साथ देने का वादा किया। दिक्कत लगेगा तो भाई डॉक्टर बता रहा पूरी रिपोर्ट है और जिस हालात में यहाँ भर्ती करा गया है वो सबको पता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको बचाने का काम कर रही है। गाड़ी को चेंज करना, लड़की के साथ में छप्पड़ मार के बयान बदलवाना, तो ये जो सारी हरकत है प्रशासन की, क्या ये लगता है कि प्रशासन अपनी बदनामी से यहाँ की सरकार उन तथ्य को छुपवाने का काम कर रही है? भाई जब लड़की बयान दे रही है, होटल वालों से भी जानकारी कर लो या किसी एक स्वीपर को पकड़ के, या स्वीपर होटल में जाता है वो एंट्री करता है, वो तो वहाँ के मालिक है, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या उसका आधार कार्ड जमा करा, वो कोई एंट्री वहां पर नहीं है, तो होटल भी गलत है और प्रशासन। और अब आपको बताते हैं कि अभी तक गैंगरेप पीड़िता से किन किन नेताओं ने मुलाकात की है। जब से रोहतक गैंगरेप मामला सामने आया तमाम लोग गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू रोहतक अस्पताल में पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भी पीड़िता से मुलाकात करने पहुंची। वहीं कांग्रेस के विधायक बीपी बत्रा भी रोहतक पहुंचे पीड़िता से मुलाकात करने। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी पीड़िता उनके परिवार से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अशोक तंवर भी पीड़िता से मुलाकात के लिए पहुंचे। इनालो नेता करण चौटाला ने भी रोहतक पहुंचकर पीड़िता उनके परिवार से मुलाकात की। किसान नेता गुरनाम चंदूनी भी पीड़िता से मिलने पहुंचे और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पीड़िता और उनके परिवार से मुलाकात की है।